तो कोरोना वायरस चीन के बाद अब दुनिया में 70 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। भारत में भी इसकी एंट्री हो चुकी है और भारत में अभी तक 26 कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। अब आपको ये बताते हैं कि कैसा होता है एक आइसोलेशन वार्ड और क्या होता है जहां कोरोना के संदिग्ध मरीजों को रखा जाता है, उनका बाहरी दुनिया से संपर्क खत्म कर दिया जाता है। किसी भी तरह की संक्रमित बीमारी के दौरान आइसोलेशन वार्ड बहुत जरूरी होता है। वहां मरीज के लिए खास इंतजाम होते हैं और कई तरह की सावधानियां बरती जाती हैं। ये किट है जो इबोला मर्स यानी कि H1N1, क्योंकि ये भी एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है कोरोना वायरस, और एक ही तरह की तैयारी इसके लिए भी की जाती है। ये अब डॉक्टर मनीष और मैं साथ साथ तैयार हो रहे हैं और आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह से आपको पेशेंट को अटेंड किया जा रहा है इस वक्त, चाहे सरकारी अस्पताल में पॉजिटिव पेशेंट हो या फिर किसी भी अस्पताल में कोई सस्पेक्ट आता है तो। इसके साथ ही आइसोलेशन वार्ड के अंदर मौजूद डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी खास एहतियात बरतते हैं। यानी कि आपके अपने कपड़े और उसके ऊपर एक और लेयर प्रोटेक्शन की, अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां कोई कोरोना वायरस का संदिग्ध भी मौजूद है, तो इस तरह से डॉक्टर्स और स्टाफ को खुद को तैयार करना पड़ता है और उसके बाद ही वो जाते हैं। सिर्फ कोरोना ही नहीं, तमाम गंभीर और फैलने वाली बीमारी के मरीजों को दूसरे लोगों से अलग आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। पूरे हॉस्पिटल के एरिया से अलग करके इस तरह के आइसोलेशन रूम में रखा जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि हॉस्पिटल के 2-3 डेजिग्नेटेड डॉक्टर और स्टाफ ही इस एरिया में आए, बाकी लोगों को यहां आने की इजाजत ना हो और वो मरीज या फिर उसके जानने वाले भी इसी एरिया तक, आइसोलेशन रूम और उसके हिस्से तक ही सीमित रहें। दिल्ली समेत देश के दूसरे राज्यों के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाने का निर्देश जारी किया जा चुका है। हर एक इंसान जिसको जुकाम, नजला, खांसी, बुखार है, कोरोना वायरस नहीं है, इस मौसम में बहुत ज्यादा इस टाइप के लक्षण होते हैं जो आम फ्लू या कॉमन कोल्ड के कारण हो सकते हैं। तो ये लक्षण अगर हैं और अगर आप उन देशों से आए जहां कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है, या आप किसी पेशेंट जो पॉजिटिव है कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जिसको है उसके क्लोज कॉन्टेक्ट में आए, तभी आपको फिक्र करने की जरूरत है और अपने टेस्ट कराने की जरूरत है। कोरोना के खिलाफ देश जागरूक है और यहीं पर हिंदुस्तान आधी लड़ाई जीत चुका है। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बुलेटिन में अप...